बोर्ड देख के तो लग ही रहा होगा कि आज डेसिमल पढ़ने वाले हैं। तो डेसिमल एक्चुअली में क्या है और कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले बताइए क्या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इफ यस देन वेरी गुड, इफ नो देन आई विल बी हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये सारे क्वेश्चंस विद इन सेकंड सॉल्व करते आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं कि डेसिमल क्या है। ओके सो अगर मैं बोलूं कि 1/10 ये तो फ्रैक्शन हो गया। ओके तो डेसिमल और फ्रैक्शन क्या है, ये जुड़वा भाई है। डेसिमल और फ्रैक्शन क्या है, ये जुड़वा भाई है। देखो इसका मतलब क्या है कि 10th पार्ट ऑफ 1 हम जब 1's प्लेस को भी और ज्यादा डिवाइड करते हैं। ओके हम 1 को भी और ज्यादा डिवाइड करते हैं, 1's प्लेस को और ज्यादा डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं हम डेसिमल में कन्वर्ट करना उसको। सपोज ये कह रहा है कि 1 का भी 10th पार्ट, तो कैसे होगा इसका, डिवाइड करो इसको, 1 को हमें 10 से डिवाइड करना है। ये तो मैं बेसिक से समझा रही हूँ, इसको समझ लो पहले कि इसके आंसर्स कैसे आते हैं, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ये सारे एग्जांपल विद इन अ सेकंड सॉल्व करते आएंगे। लेकिन वो आए कैसे ये तो समझना चाहिए ना, इसलिए मैं बेसिक से ले गई हूँ। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे 10 जीरोस आ 0 आएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस करो या 1 नीचे आ जाएगा। अब इस 1 के पीछे हम 0 लगा सकते हैं, यस। तो अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। अभी डेसिमल वहां पे आ गया तो 10 1s आता है 10, यहाँ पे लिख दिया 0 0। हमने डिवीजन 2 डिजिट की भी सीखी है, 1 डिजिट की भी सीखी है, अगर आपको नहीं आती तो आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए। अभी देखो इसका आंसर है 0.1। ओके तो अब अगर हमें शॉर्टकट से लाना है, अगर हमें ये समझ गया है तो कैसे करना है। देखो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको जस्ट वैसे लिखना है, लिखा। अभी नीचे वाले डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, कितने जीरो है, यहाँ पे 1 0। दैट मीन्स हमारा डेसिमल कितने जीरो बाद आएगा, कितने डिजिट्स बाद आएगा, 1 डिजिट बाद। जितने जीरो होंगे उतने डिजिट बाद हमारा डेसिमल आएगा। सो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल आने वाला है। अभी डेसिमल वैसे ही नहीं लिखते, उसके पहले 0 लगाते हैं, तो 0 लगा दो। सो इसका आंसर क्या होगा, 0.1। अभी ऐसे ही आप पूरे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, 1000 से हो 10000 से डिवाइड करना हो आप कर सकते हो। ओके लेकिन इसको समझ लो, ये है होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर। ये 1.2 अगर 3.2 14.01। ओके देखो अगर पॉइंट के बाद में 0 0 0 आ जाए इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद में कोई भी डिजिट आ जाए ऐसे तो इसकी वैल्यू है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसको लिखो मत, और अगर कोई डिजिट आ रहा है तो उसको लिखो। ओके और क्या करना है कि पॉइंट के बाद में 3 4 8 है, कोई भी ऐसे नंबर्स है, तो इनको 348 ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 3 4 8 ही पढ़ना है आपको, समझे। दिस इज द बेसिक थिंग्स। अभी देखो जो पॉइंट होता है उसके पहले जो होता है नंबर वो होता है होल नंबर। क्या होता है वो, होल नंबर होता है। ये होता है डेसिमल और ये होता है पार्ट ऑफ डेसिमल पार्ट, ये होता है डेसिमल पार्ट। इतना समझ में आया, अभी चलो ये एग्जांपल्स करते हैं। ओके इट्स वेरी इजी। अभी इस डिजिट को, ये जो पूरे डिजिट है, ये जो पूरा नंबर है, जैसे कि वैसे लिख दो यहाँ पे 6 4 8 लिखा। अभी कितने जीरो है नीचे, 100 से डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 2 0 है यहाँ पे, इसलिए 1 2। अरे आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं डिजिट्स को, डेसिमल में हम डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, मींस इधर से इधर 1 2 डिजिट ऐसे काउंट करना है, बाद में आपको डेसिमल लगाना है। तो 6.48 इज द आंसर। लेट्स सी दिस वन, 48 को लिखो जैसे कि वैसे नीचे। अभी कितने
डिवाइड करें 101, तो 1 डिजिट बाद हमारा डेसिमल आएगा, 8 के बाद में डेसिमल लिख दो, तो 4.8 हो गया हमारा आंसर। यहां पे देखो 620 को हमें 1000 से डिवाइड करना है। इसको लिखो जैसे, देखो अगर यहाँ पे लास्ट में जीरोस है ना तो आप ऐसे कट भी कर सकते हो, और ऊपर की वैल्यू लिख दो 62। अभी यहाँ पे ये जीरो कटने की वजह से दो ही जीरो रह गए, इसलिए दो डिजिट बाद में क्या आएगा डेसिमल, 1 2 डेसिमल दे दी। डेसिमल तो वैसे रहते नहीं, उसके आगे लगाना पड़ता है जीरो, तो लगाया हमने जीरो, समझे। अभी ऐसे भी नहीं करा आपने, ये कट भी नहीं करे, ये नहीं समझ में आया तो भी आप क्या कर सकते हो, पहली वाली मेथड से फॉलो कर सकते हो। 620 लिखा, कितने डिजिट्स बाद देना है हमें डेसिमल, 1 2 3 ओके 1 2 3 दे दी हमने डेसिमल, ओके। अभी इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, इसके आगे लगाना पड़ता है जीरो, ओके। अभी मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद में अगर जीरो आता है, देखो 620 आ गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इस जीरो का हटा भी दो तो भी चलेगा। अगर इसके बाद में 0000 करके कितने भी जीरो हो तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, हाँ उस जीरो के बाद में अगर कुछ डिजिट है तो उसकी वैल्यू है, समझे। सो द आंसर इज 0.62। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन, ये कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 लिखो जैसे कि वैसे। अभी नीचे कितने डिजिट्स है, कितने जीरोज है, 2 0 है, इसलिए 1, और यहाँ पे और एक डिजिट बनाना पड़ेगा तो 0 को बनाएंगे, इसके बाद में दो डेसिमल पॉइंट, और बाद में डेसिमल पॉइंट के आगे भी लगाना पड़ता है 0, तो हमारा आंसर क्या है 0.03। दिस विल बी योर आंसर, ओके। नाउ लेट्स टेक दिस वन, इसको जैसे वैसे यहाँ पे लिखा 496। अभी कितने डिजिट बाद चाहिए हमें डेसिमल, 3 1 2 3 के बाद में चाहिए डेसिमल, यहाँ पे 4 के आगे लिखेंगे डेसिमल को। अभी उसके आगे लिखा तो उसके आगे लगाना पड़ेगा 0, तो हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट बाद में, तो 496 को हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तो 2 0 इसलिए 2 डिजिट बाद में डेसिमल आएगा 4.96 इज द आंसर। अभी इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ओके। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 496 डिवाइडेड बाय 10, ये फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शंस, हम सीखेंगे कि हम डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर कुछ डिफिकल्टी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले वो मिलेगी, ओके। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।